हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फंक्शन माय माइंड। चलो लव स्टोरी ऑफ वेयरवुल्फ एंड वैम्पायर के पार्ट वन को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी लाइन स्टार्ट होती है आज से 5000 साल पहले से, जहां डेमोन वर्ल्ड में दो किंगडम रूल करते थे, पहला वेयरवुल्फ किंगडम और दूसरा वैम्पायर किंगडम। दोनों किंगडम एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। वैम्पायर किंगडम का किंग मिस्टर वे था और वेयरवुल्फ किंगडम का किंग मिस्टर लैन था। दोनों किंग एक दूसरे के बचपन से दोस्त थे। जो वैम्पायर किंगडम का क्राउन प्रिंस था और फ्यूचर में किंग, मिस्टर वे का चाइल्ड वे चांग से था, जो वैम्पायर किंगडम का क्राउन प्रिंस था और फ्यूचर में किंग। और वेयरवुल्फ किंगडम में मिस्टर लैन के दो बेटे थे, एल्डर बेटा चिंगहेनजुन था और यंगर बेटा लैन चुरैन था। लैन चुरैन को राजकाज में कोई रुचि नहीं थी, तो चिंगहेनजुन ही क्राउन प्रिंस और फ्यूचर वेयरवुल्फ किंग होगा। वे चांग से एक ब्लैक वैम्पायर है, जो कि वैम्पायर किंगडम की हायर ब्रीड है। चिंगहेनजुन एक प्योर वेयरवुल्फ है, जिनकी फॉर्म एक ब्लैक वेयरवुल्फ की है। टाइम आगे पास होता जाता है, दोनों किंगडम के किंग की एक एक्सीडेंटली मौत हो जाती है, तो दोनों किंगडम में मिनिस्टर्स दोनों क्राउन प्रिंस को किंग बना देते हैं। वेयरवुल्फ किंगडम का किंग चिंगहेनजुन बन जाता है और वैम्पायर किंगडम का किंग वे चांग से बन जाता है। दोनों ही किंग अपने अपने किंगडम को अच्छे से रन करते थे। वे इस बात का खास ख्याल रखते थे कि उनकी प्रजा को किसी भी चीज़ की कमी ना हो। टाइम ऐसे ही पास होता जाता है और दोनों किंग ने अपने अपने किंगडम को अच्छे से रूल करना शुरू कर दिया था। एक दिन वेयरवुल्फ किंग चिंगहेनजुन शिकार पर अपने राज्य की सीमा के आसपास के इलाके में गए होते हैं। वो इलाका वैम्पायर्स के इलाके के आसपास पड़ता था। चिंगहेनजुन जैसे ही उस इलाके में पहुंचते हैं, तो उनको पता चलता है कि कुछ ईविल डीमन नॉर्मल पीपल को परेशान करते थे, उनकी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते थे। तो चिंगहेनजुन उन डीमन्स को मार देते हैं और हाई नाइट स्पेंड करने के लिए एक हाउस ढूंढ रहे होते हैं, पर उनको किसी का भी हाउस खाली नहीं मिलता। लास्ट में वो एक लड़की के डोर नॉक करते हैं, तो वो लड़की डोर ओपन करती है और किंग को अंदर लेकर आती है। किंग को गॉड की कृपा से नाइट स्पेंड करने के लिए इस लड़की का होम मिल जाता है। ये लड़की किंग की बहुत अच्छे से सेवा करती है। किंग इस लड़की से इम्प्रेस हो जाता है। फिर किंग लड़की से उसके बारे में बताने को कहता है। लड़की अपनी सैड स्टोरी बताना शुरू कर देती है। मेरा नाम ई है, मैं इस वैम्पायर किंगडम की एक प्रजा हूँ। मैं एक वैम्पायर हूँ, पर मैं बहुत वीक ब्रीड की वैम्पायर हूँ। मेरे मदर फादर भी एक वीक वैम्पायर थे, जिन्हें इन डीमंस ने मार दिया था, और तब से मैं अकेले ही इस हाउस में रहती हूँ। किंग को बहुत बुरा लगता है ई की बातें सुनकर। वो ई को अपने साथ वेयरवुल्फ किंगडम में लेकर आ जाते हैं और ई अब वेयरवुल्फ किंगडम में रहने लगती थी है। उसकी इस किंगडम में एक दोस्त बन जाती है, जिसका नाम कांसु सैरन होता है। वो भी एक वीक ब्रीड की वाइट वेयरवुल्फ थी। ई एक वाइट वैम्पायर थी। जब भी दोनों एक साथ अपनी फॉर्म एक दूसरे को दिखाते थे, तो कांक्स सरन एक वाइट वुल्फ में चेंज हो जाती थी, और जब भी ई अपनी फॉर्म दिखाती थी, तो वो एक वाइट वैम्पायर में बदल जाती थी। वो
उसके छोटे छोटे वाइट से टीथ उसके माउथ के थोड़ा सा ही शो होते, और उसके प्योर उसकी पूरी ड्रेस कॉस्ट्यूम एक वाइट गाउन वाली हो जाती थी। दोनों दोस्त अपनी इस वाइट फॉर्म में एंजल लगा करती थी। धीरे धीरे टाइम के साथ साथ चिंगन्जुन को ई पसंद आने लगती है और वो उससे शादी का प्रस्ताव रखते हैं। ई भी मान जाती है। पूरे पैलेस में दोनों की वेडिंग की तैयारी शुरू हो जाती है और चिंगन्जुन अपने वैम्पायर दोस्त वे चांगसे को भी इनविटेशन भेजते हैं और कई किंग्स को इनविटेशन भेजा जाता है। अब शादी वाला दिन भी आ जाता है और चिंगन्जुन और ई की वेडिंग भी हो जाती है। कांस्य सेरेन अपनी फ्रेंड के लिए बहुत खुश हो जाती है और खुशी से इधर उधर के काम काज देख होती है। तभी उसकी मुलाकात वे चांगसे से होती है। वे चांगसे कांस्य सेरेन को अपने दिल दे बैठते हैं और उससे बहुत सारी बातें करते हैं। शादी अब फिनिश हो जाती है। सभी गेस्ट अब अपने अपने किंगडम चले जाते हैं और चिंगन्जुन और ई भी अपने रूम में चले जाते हैं। ई अब लैन फ्यूरेन बन गई थी, जिसका नाम अब ई से बदल कर लैनी रख दिया था। दोनों कपल्स अपनी नाइट स्पेंड करते हैं। लैन ई वीक वैम्पायर होने की वजह से जब चिंगन्जुन उसको मार करते हैं तो और उन दोनों के बीच नॉटिंग होती है, और लास्ट में जब चिंगन्जुन लेनी को अपने स्ट्रॉन्ग वेयरवुल्फ ब्लड की कुछ ड्रॉप्स ड्रिंक करवाते हैं तो लेनी अब वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाती है। पर उसके पास उसकी वैम्पायर फॉर्म भी होती है, पर वो अब यूजलेस हो जाती है। ऐसे ही दोनों कपल्स अपनी नाइट स्पेंड करते हैं। धीरे धीरे टाइम आगे बीतने लगता है। वे चांग से चिंगन्जुन से मिलने आता है और उसको अपने बारे में बताता है कि मैं कांग्स सेरन से शादी करना चाहता हूँ। चिंगन्जुन कांग्स सेरन को बुलाता है और दोनों वे चांग से और कांग्स सेरन के बीच काफी देर तक बातें होती हैं और दोनों की शादी फिक्स हो जाती है। कुछ टाइम बाद दोनों की शादी हो जाती है। ऐसे ही टाइम आगे पास होता जाता है और लैन ई प्रेग्नेंट हो जाती है और वो दो बेटों को बर्थ देती है। बड़ा बेटा लैन शिचन होता है और छोटा वांगजी। शिचन एक ब्लैक प्योर वेयरवुल्फ होता है और वांगजी गोल्डन वाइट वेयरवुल्फ होता है। वहीं वैम्पायर वर्ल्ड में कांस्य सेरन भी प्रेग्नेंट हो जाती है और एक बेटे को बर्थ देती है, जिसका नाम विवुशियन होता है, जो एक वेयरवुल्फ और वैम्पायर का मिक्स ब्रीड होता है। उसकी वैम्पायर फॉर्म ज़्यादा पावरफुल थी, जिसमें वो एक ब्लैक वैम्पायर में कन्वर्ट हो जाता था, और दूसरी उसकी वीक फॉर्म थी जो एक वेयरवुल्फ की थी, जिसमें वो एक वाइट वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाता था। पर वो अपनी वैम्पायर फॉर्म का ज़्यादा यूज़ कर पाता था। टाइम ऐसे ही आगे बढ़ने लगता है जब वे चांग से की वाइफ कांस्य सेरन की 2000 साल पहले मौत हो जाती है। अब नन्हे विंग की टेक केयर उसकी नैनी करती थी। इस समय विंग की एज केवल 2 साल की ही थी। 4000 साल बाद ऐसे इसी एक घटना एक ऐसी घटना घटती है जिसके कारण वैम्पायर किंगडम और वेयरवुल्फ किंगडम राइवल हो जाते हैं। इस इंसिडेंट में सडनली कई सारे वैम्पायर्स गायब हो गए थे और कुछ टाइम बाद उनकी डेथ बॉडीज मिलती हैं, जिन पर वेयरवुल्फ के मारने के निशान मिलते हैं। ऐसे ही सेम इंसिडेंट वेयरवुल्फ वर्ल्ड के लोगों के साथ भी होता है। सडनली कई सारे वेयरवुल्फ अचानक से गायब होने लगते हैं और कुछ टाइम बाद
उनकी डेथ हो जाती है और उनकी डेड बॉडीज मिलती है जिन पर वैम्पायर्स के टीथ के निशान होते हैं। पहले दोनों किंग में से किसी को भी बिलीव नहीं हुआ, पर धीरे धीरे ये इंसिडेंट बढ़ता चला गया और वैम्पायर किंगडम को ये लगने लगा कि वेयरवुल्फ किंगडम ने उसके साथ चीट किया है और वेयरवुल्फ किंगडम को ये लगने लगा कि वैम्पायर वर्ल्ड ने उनके साथ चीट किया है और मिसअंडरस्टैंडिंग इस कदर बढ़ जाती है कि दोनों किंगडम के बीच वॉर हो जाती है। एक तरफ वैम्पायर किंगडम और दूसरी तरफ वेयरवुल्फ किंगडम। वैम्पायर किंगडम को ये विश्वास था कि लैन ई एक वैम्पायर है तो उनकी ही साइड से लड़ेगी, पर अब लैनी बन चुकी थी और वो अपने पति के साइड से लड़ी। वॉर कई लंबे टाइम तक चली, लगभग 2 साल तक वार चली और 2 साल बाद वैम्पायर वार हार गए और उन्होंने लैनी पर उन्हें चीट करने का इल्ज़ाम लगाया और अपने हार का सारा ब्लेम भी लैनी पर डाल दिया। मैं अपनी स्टोरी को यहीं पर फिनिश करती हूँ। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल फंक्शन माय वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर देना। एंड टाटा।